लेकर पचफिटिया और हमको घर को बगल में एक फायर किया और हमको चट्टी उट्टी सब चीज उजाड़ दिया, बच्चा को हाथ मच दिया, तुमको रात को उठा लेंगे, तुमको बेटा नहीं है मर्द नहीं है तुमको उठा लेंगे। राशन को बदौलत सर मारा है, उस हमको धमकी घर पर दे के गई, तुमको लड़का को बाहर में मार देंगे, तुमको पति को बाहर में मार देंगे। जन वितरण प्रणाली के डीलर ने अपने यहाँ राशन नहीं लेने वाली महिला उपभोक्ता को दी पहले धमकी, फिर लहराया असलहा और कर दी बेरहम पिटाई। मामला बखरी थाना क्षेत्र के समसा करैया टाड़ की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक करैया टाड़ की रहने वाली काला देवी पति प्रभु पासवान किसी अन्य जगह के जन वितरण प्रणाली के दुकान से अनाज यानी अपना राशन का उठाव कर रही थी, जिसके वजह से स्थानीय डीलर नाराज चल रहा था, जो महिला के घर जाकर महिला को पहले धमकाया और फिर लहराया असलहा और फिर कर दी बेरहम पिटाई। पीड़िता किस तरीके से उसकी पिटाई हुई है और क्या किसने मारा है, कौन सा डीलर है, क्या कुछ नाम पता है, सब कुछ बता रही है। वो इस वक्त सदर अस्पताल में अपनी इलाज करा रही है। अब देखने वाली बात है कि पीड़िता की पिटाई से हालत गंभीर है, सुनिए कि क्या कुछ कहा पीड़िता ने। अब देखने वाली बात यह है कि उक्त जनवितरण प्रणाली के दुकानदार बिरजू पासवान पर विभाग और पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। क्या मामला इतने है, हमको 10 दिन पहले वो धमकी देकर बिरजू पासवान ने लीडर ने हमको दरवाजे पर चले गई कि राशन नहीं लगी तो तुमको मार देगी, आँख में पट्टी बांध कर आपको ले जाएगी रोड पर से उठा कर, आपको पता नहीं चलेगी। हम कहा हमको जहाँ मन है तहाँ हम राशन लेंगे, हमको आपको क्या एलर्जी है। वो कहा नहीं हम तुम राशन हमको कम लेंगे, हम कहा हम राशन नहीं लेंगे तो हमको फिर भी महीना 10 किलो कम देती है, हम राशन नहीं लेंगे। कहा आपको लेना पड़ेगा, हम कहा नहीं लेना पड़ेगा और छोड़ दिया सर। तकर बाद फिर भी की किया 10 दिन के बाद में लेकर पचफिटिया और हमको घर को बगल में एक फायर किया, कहा कि देखिए हमको डर से सभी घर लोग डर गया, सभी लोग भाग गया, हमको डर से भाग गया सभी लोग, और हमको घर के सामने में आवाज किया और हमको चट्टी उट्टी सब चीज उजाड़ दिया। उस भी कहा कि और दिया जाए, हम क्या करेंगे, हम उसको छोड़ देते। कितना आदमी आपके साथ मारपीट किया? मारपीट किया बिरजू पासवान लीडर और कन्हैया और सागर को लड़का है नंद किशोर पासवान और अशोक पासवान, शोभा देवी, चंगरू पासवान। और को घायल हुआ क्या? नहीं सर, हमरे घायल किया और सामान बंदूक पुन्ना सब मारा है छोर सो सर, ये पिलर है सो सर और पिलर के बगल में और मेरे एक को बच्चा है, उस बच्चा को हाथ मच दिया, बच्चा कहने लगा मम्मी हाथ मर दिया। हम कहा कि तुमको बच्चा को मार को क्या फायदा मिलेगा, तुम बच्चा कैसे मारा था, हम मारेगा तुमको क्या करना है, जाइए जो करना है से कीजिए। कहा तुमको रात को उठा लेंगे, तुमको बेटा नहीं है मर्द नहीं है तुमको उठा लेंगे। आपके घर में कोई नहीं? कोई नहीं है सर, मेरे घर में बेटा है करनाल में और पति है बंगलोर में, कोई नहीं है सर। अस्करे एगो ही लड़की है और ये तो लड़का है सर, उसको लड़का को सर हाथ दिया सर, देखने लायक नहीं है सर, देखने लगा ये तो छोर कारण था मतलब राशन राशन हाँ राशन को बदौलत सर मारा है। उस हमको धमकी घर पर दे के गई कि तुमको उठाए लेंगे, नहीं सर राशने को मामला है सर, उसी को साथ हमको झंझट नहीं है, कुछ नहीं है झंझट है दूसरे साथ, बच्चा में बच्चा लड़ गया उस दोनों ने फरियाएगा, उसी को साथ झंझट न घर से सर हम पिलर के बगल में खड़ा है, निकल कर सर हमको बंदूक को पना कोई नहीं है सर, बंदूक पना से सब पकड़ने हैं वो तब हमको लड़का रोड को लाइन से निकले हैं, हमरे को मम्मी को मार दिया, मेरे लड़का को मारा था, मेरे लड़की को मारा। आप थाना में आवेदन दिए? हाँ सर थाना में आवेदन दे दिए सर, और कहती है क्या कि जाइए ना कहाँ फिर भी जाएंगे, तुमको लड़का को बाहर में मार देंगे, तुमको पति को बाहर में मार देंगे, भाई को हाँ मार देंगे, तुम क्या करेगी, हम लीडर है हम मार देंगे, और राशन सर बकरी से उठाते हैं,
हमको जहां मर्जी है तहां सर हम राशन लेंगे। 10 परिवार है सर, हमको 25 किलो राशन 30 किलो राशन देते हैं सर, हमको 20 किलो राशन ले ये लिया है, हमको बचेगा क्या? और ऊपर से हमको धमकी देकर हमको सारी घटना किया।